इंडिया ने एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली है, यानी कि 9 के 9 मैचेस जीत लिए हैं। इंडिया ने आज का मैच तो जीता ही, लेकिन इस वर्ल्ड कप के 9 मैच खेले, कह सकते हैं कि तकरीबन सारे के सारे जीते, वन साइडेड जीते सारे मैच। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। आप सोच लेंगे टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। It's Bumrah 2 wicket and everybody bowled from the Indian side. They had a great time today. They were enjoying their cricket. And they should. 9 out of 9. Second time it happened in the World Cup. First time India did it in 2003. Yeah. तो जारे आज बड़े मजे से जीत के चले गए इंडियंस और जिस तरह वो 9 मैच 9 कामयाबी तो जबरदस्त टीम दिखाई दे रही है। कि आप ये मत देखेंगे यार कौन कितने रन कर रहा है, आप ये देखेंगे कौन सी टीम जीत रही है। थ्रू आउट जिस तरह से 9 out of 9 इंडिया ने ये बढ़तरी हासिल की है, अब यकीनन न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ रिजल्ट सेमीफाइनल का, न्यूजीलैंड के लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो इस बढ़ते हुए तूफान को वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोक पाए। 9 wins in 9 matches रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए, और मैं आज से इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी अब फेवरेट टीम इस वर्ल्ड कप में इंडिया है और इंडिया इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतेगी। ऐसी टीम जो टूर्नामेंट के पूरे 9 के 9 मैच नहीं हारी है, आपको पता है इंडिया है ना हालांकि हड्डी बना हुआ है, वो निकल नहीं रही है ना, लोग निकाल पा रहे हैं, तो जब तक ये हड्डी ने निकलना है ना वो हड्डी ट्रॉफी लेके चली जाएगी, ये होगा। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, जब से वर्ल्ड कप हो रहे हैं फर्स्ट टाइम इन टॉप 5 बैटर्स गॉट 50 एज वेल, और उसमें 2 ने 100 भी किए और क्या जबरदस्त 100 किए उन्होंने। मतलब यही बात है कि इनको वर्ल्ड कप पकड़ा देते हैं, 3 मैचेस बच जाएंगे साढ़े सारे। अनस्टॉपेबल मैन। और आज जो इंडिया का जो बॉलिंग का स्कोर कार्ड है वो और फनी है, वो कमाल है। 9 bowlers ne 8 se 9 bowl 9 bowlers ne bowling kisi ko wicket keeper nahi kar raha hai aur air nahi kar raha hai aur bhi karwa sakta tha agar gloves ko hi aur pehne team india ke bare mein kya kehna chahenge unstoppable unbeatable 9 out of 9 wins world cup ke tane kasam khai ek baar phir jeet apne naam kar liye hai yani ki 9 ke 9 matches jeet liye hain aur bharatiya batters ne netherlands ke bowlers ka bharkas nikal diya aur jeet ke liye 411 runs ka hadaf diya jise netherlands ki team hasil karne mein bilkul nakam hui aur 250 runs banakar out ho gayi। obviously sab jante the ki one sided affair hoga और एक थोड़ा सा चाम जो कहना चाहिए नेदरलैंड के पास यही था कि शायद कोई मैरेकल हो, कुछ नया करके दिखाएं और पॉसिबिलिटी यही थी कि शायद वो टॉप 8 की कोशिश करे। बट ऑब्वियसली इंडिया अपने कंट्री में जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है उसका कोई मैच नहीं है। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, खासतौर पर क्या राहुल की सेंचुरी और शहजाज की बात करें, खूबसूरत सेंचुरी और हर प्लेयर उनका परफॉर्म करता चला जा रहा है, ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे आप? देखिए एक स्टेटमेंट और दी है भारत ने और बड़ी टीम और छोटी टीम का फर्क डाला उन्होंने और अच्छी टीम्स ऐसे ही करती हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ यू नो एक दो प्लेयर अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल है जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह के फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। आप सोच लेंगे टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया। ये नहीं है कि नेदरलैंड्स आई है तो चेंजेस कर ले, नेदरलैंड्स आई है तो कोई सेंचुरी ना बनाए, बल्कि उनको और फेंटा लगाया उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तो धाक बन रही है, तारीफें हो रही है। मैं यही कहता हूँ ना, मुझे जो अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट का वो यही होता है कि आपके पास 100 overs होते हैं ना सिर्फ अपनी टीम को एडवर्टाइज करने के लिए बल्कि पाकिस्तान एज अ कंट्री को एडवर्टाइज करने के लिए, तो उसमें फिर जब आपको मार पड़ती है तो वो फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो नेगेटिव चली जाती है। तो इसीलिए भी हमें हर मुकाबले में कोशिश करनी है कि हम चैलेंज करें और भारत जो है उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट इस वक्त ये हो रही है कि वो मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमी सर, के इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं वो डिफरेंट हैं, और इस पर इंडिया से जवाब भी काफी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे, तो वहां पर भी क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होता है। यही फर्क है और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है, ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल स्विंग सीम मूवमेंट, और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुंचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है तो
नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? इंडिया स्कोरिंग येट अनदर विक्ट्री, दे आर अनस्टॉपेबल, द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक फॉर इंडिया, जस्ट फैंटास्टिक वर्क फ्रॉम देम, प्रिंस बुमराह 2 विकेट, एंड एवरीबॉडी बोल्ड फ्रॉम द इंडियन साइड, दे हैड अ ग्रेट टाइम टुडे, दे वर एंजॉयिंग देयर क्रिकेट, एंड दे शुड 9 आउट ऑफ 9, सेकंड टाइम इट हैपेंड इन द वर्ल्ड कप, फर्स्ट टाइम इंडिया डिड इट इन 2003, एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, जब से वर्ल्ड कप हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन टॉप 5 बैटर्स गॉट 50 एज़ वेल, और उसमें दो ने 100 भी किए हैं, और क्या जबरदस्त 100 किए उन्होंने, मतलब यही बात है कि इनको वर्ल्ड कप पकड़ा देते हैं, तीन मैचेस बच जाएंगे साढ़े सात, दे आर अनस्टॉपेबल मैन, रोहित शर्मा 61 of 54, 8 चौके 2 छक्के, मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी, यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं, ये ऐसा बैटर है कि 5 बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो 5 को पीटता है, जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए हैं ना, वो 5 को नहीं मारते, वो 3 को मारते हैं, फिर 6th-7th को मारते हैं, ये 5 को मारता है। दुनिया की बेस्ट टीम्स यहाँ पे कम्पीट कर रही हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया के जो 5 नंबर पे खेलते हैं आके, अगर कंपैरिजन करना है, सो इंडिया हैज द बेस्ट बैटर हु कैन प्ले इन एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। आज एक और चीज हमने देखी कि उनके 9 बॉलर्स ने बॉलिंग की, यानी कि ग्राउंड के अंदर एक एंजॉयमेंट चल रहा था, एक एंटरटेनमेंट चल रहा था, सबको चांस दे रहे थे, तुम भी करा लो, और उसी में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने विकेट्स भी हासिल की। टेस्ट तो जरिए आज बड़े मजे से जीत के चले गए इंडियंस, और जिस तरह वो 9 मैच 9 कामयाबी, तो जबरदस्त टीम दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने आके विकेट ले ली, विराट कोहली ने विकेट ले ली, आगे की प्रेडिक्शन आपकी क्या है? इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा, तो पिछले वर्ल्ड कप में भी हारे, हालांकि इतनी मजबूत टीम नहीं थी, इस दफा बहुत मुश्किल चांस लगता है इंडिया का, ये अभी तक जो उनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस है, उनका न्यूजीलैंड से मैच भी, और न्यूजीलैंड को हराया अभी, तो अभी तक जिस फॉर्म में जा रहा है इंडिया, और जाहिर है उनका थिंक टैंक भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी पीछे की बेंच पे बैठे हुए भी इतने कारनामा साबित हो जाते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो मिस्टेक करेंगे? देखिए मोस्टली देखा गया, मैंने सिर्फ 2003 का वर्ल्ड कप था कि जहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम तमाम 11 मैच जीत के टाइटल जीते थी, वरना एक बुरा दिन आता है, सारे मैचेस जीत के आपको सेमीफाइनल खत्म, न्यूजीलैंड वाले मैच में लग रहा है या फिर फाइनल में भी ये बुरा दिन हो सकता है, कोई एक दिन हो सकता है, इंडिया को इससे बचना पड़ेगा। देखिए कि आज इंडिया ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, ऊपर के 3 प्लेयर ने 50 किए, नीचे के 2 ने 100 किए, टीम इंडिया बहुत जबरदस्त है, खेल रही है, तो फिर भाई इसके लिए आपको एक अलग से मुबारकबाद। चक्करों में कि यार 200, 300, 50 ये कौन सी टीम है यार? नहीं वो तो खैर वो देखा ना, कितने मैं ये कह रहा हूँ, ये नेदरलैंड पे 400 रन मारे, हम भी तो खेले थे नेदरलैंड से, कि आप ये मत देखेंगे यार कौन कितने रन कर रहा है, आप ये देखेंगे कौन सी टीम जीत रही है थ्रू आउट, जिस तरह से 9 out of 9 इंडिया ने ये बढ़तरी हासिल की है। अब यकीनन न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ रिजल्ट सेमीफाइनल का, न्यूजीलैंड के लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो इस बढ़ते हुए तूफान को वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोक पाए, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जो भी हो, मगर इंडिया ने अपनी पोजीशन वर्ल्ड क्रिकेट पे प्रूव कर दी है कि उनके पास सिर्फ स्टॉक में जो नजर आ रहे हैं, जो ये 11 खेल रहे हैं यही नहीं है, इनके पीछे 111 और हैं जो तड़प रहे हैं कि हमें भी इंडिया से खेलने का मौका मिले, तो जहां टैलेंट की इतनी भरमार होगी ना अली, वहां रोकना मुश्किल होता है। आज टीम इंडिया जिस अंदाज से खेली है, क्योंकि ये नजर आ रहा है अपोनेंट जैसे भी हो, टीम इंडिया अपना ही गेम खेलती है, बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट है, उनके बैट्समैन ऐसे आते हैं जैसे मशीन लाइक सिचुएशन, कि मतलब असेंबली लाइन है, एक ही रिजल्ट आ रहा है, आप डालें इधर से उधर से निकल, कोई फर्क नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, उस लेवल पे पहुंच गया इंडिया अपने के एक बैटिंग को देख के बड़ा वो होता है, एंजॉय करता है, डजंट मैटर के पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये सारे आप देख के एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, हमारे अनलाइक सिचुएशन है एक दो के अलावा। इंडिया ने आज का मैच तो जीता ही, लेकिन इस वर्ल्ड कप के 9 मैच खेले, कह सकते हैं कि तकरीबन सारे के सारे जीते, वन साइडेड जीते सारे मैच, और आज जो इंडिया का जो बॉलिंग का स्कोर कार्ड है वो और फनी है, वो कमाल है, 9 बॉलर्स ने 8 से 9 बॉल, 9 बॉलर्स ने बॉलिंग, किसी को विकेट कीपर ने नहीं कराई और अय्यर ने नहीं कराई, राहुल भी करवा सकता था अगर ग्लव्स कोई और पहने यानी जो कीपिंग कर रहा था सिर्फ उसने, और अय्यर ने बॉलिंग नहीं कराई, ये देखिए बुमराह, सिराज, शामी, कुलदीप जडेजा, कोहली, गिल, सूर्या कुमार और रोहित, 9 बॉलर ने, ऐसा इंडिया की तारीख में 11 साल के बाद हुआ है कि जब इतने लोगों ने बॉलिंग कराई हो। विराट कोहली ने भी आज 3 ओवर्स कराए, और 7 साल बाद, 7.5 साल बाद विराट कोहली ने भी एक विकेट ले डाली, यानी कमाल ही कर दिया इंडिया ने।